हे एवरीवन, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये नवरात्रि गरबा मेकअप लुक। आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा, तो चलिए देख लेते हैं। और इस मेकअप लुक की बात ये है, अच्छी है कि मैंने ये मेकअप लुक किया है सिर्फ पैनकेक की हेल्प से, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र। ये निविया का लाइट मॉइस्चराइज़र है। अपने फेस को मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। और आज के मैंने मेकअप लुक में इसमें कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या फाउंडेशन का यूज़ नहीं किया है। मैंने सिर्फ पैनकेक की हेल्प से ये मेकअप किया है, और ये लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होगा आपका। तो मैंने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है अच्छे से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पतंजलि की एलोवेरा जेल। और सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। काफ़ी अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं मैंने इसमें। और पतंजलि के एलोवेरा जेल को मैं एज अ फेस प्राइमर लगा रही हूँ, और इसे मैं एक मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूँगी लगाकर अच्छे से अपने फेस पर, ताकि ये अच्छे से मेरी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। और अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कलर स्क्रीन का ये पैनकेक है। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी मैंने यूज़ कर लिया है, फिनिश होने वाला है। एक स्पॉन्ज की हेल्प से आप इसे लगा लीजिए। ये स्पॉन्ज मैंने गीला कर लिया है, अच्छे से इसे स्क्वीज़ कर लीजिए। इसकी हेल्प से आप अपने पूरे फेस पर पैनकेक को अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज, ये पैनकेक बहुत ही अच्छा है। इससे आपके डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल्स और जितने भी आपकी आईज़ पर अगर कलर करेक्शन की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दूर करता है ये। और इससे आपके डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट भी हाइड हो जाते हैं। और इसे आप ऐसा कंसीलर भी लगा सकते हैं। और पैनकेक लगाने से पहले गाइज, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना ना भूलें। अगर आप मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे अपने फेस को तो ये केक ही लगने लगता है थोड़े टाइम बाद, तो इसीलिए मॉइस्चराइज़र को ज़रूर अप्लाई करें पैनकेक से पहले। अब मैं लैक्मे लूज़ पाउडर की हेल्प से इसे थोड़ा सा सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ये स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को कॉम करूँगी, और उसके बाद अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। और ये आईब्रो पेंसिल भी काफ़ी वाटरप्रूफ है, स्पंज प्रूफ है, काफ़ी अच्छी पेंसिल है, लॉन्ग लास्टिंग करती है आपके मेकअप को और आपकी आईब्रोज़ पे काफ़ी देर तक टिकी रहती है। अब मैं यहाँ पर कंसीलर लगा रही हूँ, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैक का कंसीलर, और इसे मैं ये फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। साथ ही साथ मैं अपनी आईब्रोज़ को भी डिफाइन कर लूँगी इसी कंसीलर की हेल्प से। अब मैं इसे पाउडर की हेल्प से सेट कर लूँगी, ये लूज़ पाउडर है। अब मैं ये जैकलिन हिल पैलेट से ले रही हूँ ब्राउन कलर का शेड, इसे अपनी क्रीज लाइन पर प्लेस करूँगी मैं और ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। आई शेडो को जब तक आप ब्लेंड नहीं करेंगे तब तक बहुत अच्छा एक जो कलर आता है उभर कर वो नहीं आएगा, इसीलिए ध्यान रहे कि आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करना ना भूलें। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये फेसिस कैनेडा का काजल, और इसे मैं अपनी पूरी आईलिड पर लगा लूँगी, क्योंकि मैं एक स्मोकी आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं अपना दूसरा कलर अप्लाई करूँगी, और मैं यहाँ पर एक ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ध्यान रहे आपने इसे पूरी आईलिड पर लगाना है। और इस काजल का मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया गाइस, क्योंकि ये स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और जेट ब्लैक है, तो काफ़ी अच्छा काजल है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाता है। और अब मैं ये मार्स आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर का शेड ले रही हूँ, इसे भी मैं पूरी आईलिड पर लगा लूँगी, ताकि जहाँ पर भी अगर थोड़ा सा स्पेस रह गया होगा वो उसे अच्छे से मैं फिल कर लूँ। तो ये देखिए, मैंने ऐसे अच्छे से फिल कर लिया है। और अब मैं इसी आई शेडो पैलेट से ये ग्रीन कलर का शेड ले रही हूँ, क्योंकि मेरी ड्रेस भी कुछ इसी कलर की है, तो मैं इसे सेंटर में प्लेस करूँगी अपनी आईलिड के। पूरी आईज़ पर नहीं लगाना है, सिर्फ आपने सेंटर में अप्लाई करना है कुछ इस तरह से। और अब मैं थोड़ा सा इसे ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई भी हार्श एजेस ना रहे मेरी आईज़ पर। इसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पर भी सेम स्टेप फॉलो करूँगी। पहले मैंने ब्राउन कलर का शेड लिया है, फिर मैं ब्लैक कलर का शेड लूँगी और इसे हल्के हाथों से ब्लेंड करते हुए अप्लाई करूँगी। तो अब मैं लगा रही हूँ ये ग्रीन कलर। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर मैक का आईलाइनर। आईलाइनर आप अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का मस्कारा, और मैं फॉल्स लैशेस वियर नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जब गरबा करते हैं, जब डांस करते हैं, तो फॉल्स लैशेस जब स्वेटिंग होने लगती है तो थोड़ा सा उतरने का उसका डर रहता है, तो इसीलिए बेटर होगा कि आप मस्कारा अप्लाई करें। मस्कारा के 2 से 3 कोट आप लगा सकते हैं, वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ कीजिए, इससे आपको फॉल्स लैशेस की भी ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं ये जैकलिन हिल पैलेट से ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ, और मैं यहाँ पर पाउडर कंटूरिंग कर रही हूँ, क्योंकि जब आप डांस वगैरह करते हैं तो पाउडर कंटूरिंग ही बेस्ट ऑप्शन होती है, क्योंकि अदरवाइज स्वेटिंग होने लगती है, तो क्रीम कंटूरिंग स्किप कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। नोज़ को कंटूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपकी नोज़ जो है काफ़ी शार्प दिखती है। अब मैं यहाँ पर लगा लूँगी ब्लश, और बहुत ही लाइट सा ब्लश अप्लाई कर रही हूँ मैं, और ये लाइट पिंक कलर का ब्लश है।
अब मैं यहाँ पर हाइलाइटर लगा लूँगी। हाइलाइटर तो आप ज़्यादा भी लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रात के वक्त जब आप डांस करते हो और आपके फेस पर जब लाइट पड़ती है ना, तो ओ माय गॉड बहुत अच्छा लगता है आपका फेस, और बहुत ही चमकता है आपका फेस, बहुत शाइन करता है, तो अच्छा लगता है वो लुक। और आपकी पिक्स भी बहुत अच्छी आती है जब आप इस तरह से हाइलाइटर लगाते हैं। और आप भी अपनी गरबा की जो पिक्स हैं वो मेरे साथ इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपने ये मोमेंट्स मेरे साथ शेयर करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ किस ब्यूटी की ये लिपस्टिक, और ये लिक्विड लिपस्टिक है और ये काफ़ी ब्राइट सा शेड है, तो अच्छा लगता है नाइट के वक्त ब्राइट शेड जब आप लगाते हैं। और अब मैं काजल लगा रही हूँ, काजल उस वक्त लगाना मैं भूल गई थी तो सॉरी, अभी मैं एंड में काजल लगा रही हूँ। ये फेसिस कैनेडा का ही काजल है। और मेकअप फिक्सर लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये भी आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, इसलिए ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्लू हेवन का काजल, और इसकी हेल्प से मैं डॉट बनाऊंगी अपने। ज्वेलरी वगैरह आप अपने हिसाब से भी एसेसरीज वेयर कर सकते हैं। सो गाइज़, ये है मेरा फाइनल लुक। आई रियली होप कि आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको कमेंट में कैसा लगा मेरा ये मेकअप लुक। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और टिकटॉक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।